अपने जमाने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो चालबाज और चुलबुली एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सिर चढ़कर बोलती थी। एक दिन अचानक उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज चैनल्स पर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने अभिनय की शुरुआत तो दक्षिण भारत की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, इन तमाम सर्कमस्टेंसेस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए हमारे आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब अमीरात के एक देश रसल खेमा से, क्योंकि यही वो आखिरी डेस्टिनेशन है जहां श्रीदेवी को सार्वजनिक रूप से हंसते खेलते और नाचते गाते देखा गया था। संयुक्त अरब अमीरात का ये एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 की थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 फरवरी तक सभी मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बाकी सारे मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती है। दुबई में उसकी एक बहन रहती है और वो दुबई में जुमेरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में चेक इन कर लेती है। श्रीदेवी शायद शादी के फंक्शन की थकान उतारने की कोशिश कर रही थी। 22 फरवरी की तारीख को शाम को चेक इन करने के बाद 23 तारीख को वो उसी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ 23 फरवरी को लखनऊ के इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था, इसलिए 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ के इसी समिट में पहुंचे थे। जैसा कि जानकारी बोनी कपूर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लखनऊ से चलकर बोनी कपूर वापस श्रीदेवी के पास दुबई पहुंच गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर के पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के उसी रूम में के दरवाजे पर नॉक करते हैं जहां श्रीदेवी रुकी हुई थी। अचानक बोनी कपूर को सामने देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती है उतनी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज भी था, क्योंकि दुबई का टाइमिंग हमारे टाइम से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है। इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो वो रेडी हो गई और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम से अटैच बाथरूम था, वो बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर गई, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच आ रहा था। इस मैच में भारत ने 172 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 165 रन ही बना पाई, जिसमें भारत विजेता रहा था। बोनी कपूर उसी मैच का मजा ले रहे थे। इसी बीच उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि श्रीदेवी काफी देर से नहाने के लिए गई है और अभी तक वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक दो बार आवाजें भी लगाई, उसके बाद वो मैच देखने में बिजी हो गए। लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी के बेडरूम में एक दो बार कॉल किया, मगर कॉल नहीं उठा। फिर वो उठकर बाथरूम तक गए, पहले एक दो बार बाहर से आवाज लगाई, कोई आवाज ही नहीं आई, तो फिर वो बाथरूम के दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की बूंद भी नहीं गिरी थी। बोनी कपूर ये देखकर सदमे की स्थिति में आ जाते हैं और अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। उनका दोस्त वहां आता है, इसके बाद फिर लोकल पुलिस भी वहां आ जाती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है।
और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर का कहना था कि एक तेज दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। ये तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई। जांच एजेंसियों ने इसकी तस्दीक भी दी जो कि सही पाया गया। रात 10 बजे के करीब श्रीदेवी की डेड बॉडी को नजदीक के रसीदी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां इनकी बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया जाता है। इंडियन एम्बेसी को खबर की जाती है। इंडियन एम्बेसी के जरिए ये खबर भारत में आती है। अगले दिन संडे था। श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी ये बात पता चलती है पहली बार में तो उसे यकीन ही नहीं होता कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी जो इस घटना से बहुत ही निराश हुई। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान बहुत अलग अलग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसके अनुसार श्रीदेवी की मौत की वजह वाटर ड्राउनिंग थी। डॉक्टर का कहना था कि श्रीदेवी ने उस समय बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को पेचीदा बना दिया। जहां लोग ये मानकर चल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी की मौत हुई, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बाथ टब में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी यूनिवर्सिटी कैशन फिर हाई लेवल पर होती है और ये इन्वेस्टिगेशन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP कर रही थी। अब मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे। श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या फिर उन्हें डुबोया गया, अगर उन्होंने शराब पी थी या शराब जबरदस्ती पिलाई गई। इन तमाम बातों की इन्वेस्टिगेशन करने के चक्कर में दुबई की अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को तत्काल डेड बॉडी देने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। उनकी डेड बॉडी वहां से नहीं आ रही थी जिसे लेकर लोग बातें करने लगे। संयुक्त अरब अमीरात के सातों छोटे छोटे अमीरात में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों को लेकर कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि एक के बाद एक अलग अलग अमीरात के लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाया जाता है। जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई उस समय दुबई के प्रधानमंत्री थे और अभी धापू के राष्ट्रपति। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान शाहरुख खान दोनों ही अच्छी खासी जान पहचान थी। यूं तो पूरा UAE बॉलीवुड का दीवाना है, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई के शेखों के बीच अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी। श्रीदेवी की डेड बॉडी अब नहीं दी जा रही थी, तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से वहां फोन किया और डेड बॉडी को जल्दी वापस भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद फाइनली 27 तारीख को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत वापस लाई गई। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की डेड बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम ना होने को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। श्रीदेवी की मौत को लोग नेचुरल ना मानकर किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का एंगल भी था। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन इन सबसे अलग हटकर एक ये बात भी निकल कर सामने आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने वकील के जरिए अदालत में अर्जी लगाई थी। श्रीदेवी की मौत एक षड्यंत्र है, इसके पीछे उनका लॉजिक था कि श्रीदेवी की ओमान में एक 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसकी शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत के बाद उनके नॉमिनी को ये पैसे तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में हो और उनकी डेथ नेचुरल हो। हालांकि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए उसके अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत बाथ टब में सो जाने की वजह से भी हो सकती है। अब शायद आपको ये बात अटपटी जरूर लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। दुनिया में खासतौर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ कई एक्सीडेंट हुए हैं जबकि वो बाथ टब में गए और उन्हें नींद आ गई जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई हो। दुनिया में हर साल लगभग 2000 लोगों की मौत बाथ टब में डूब जाने की वजह से होती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं केरल में देखने को मिलती है। इसके अलावा श्रीदेवी की मौत से संबंधित बाकी तमाम थ्योरी वही है जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।